भोजपुरी भाषा और भोजपुरी फिल्म दर्शकों की भरमार के बावजूद भी डाटो अब तक वो मुकाम हासिल कर पाया है जो बाकी क्षेत्रीय सिनेमा जगत ने करने में सफलता हासिल कर ली है, और ना ही उस तरह की चर्चा यहाँ के कलाकारों की होती है। कारण तो कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण इस भाषा की ओर राजनीति और अपने ही लोगों की उदासीनता भी रही है। लेकिन अब चीजें सुधर रही हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े कलाकार इसे वैश्विक रूप देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हों या फिर रवि किशन। पवन सिंह और खेसारी के साथ निरहुआ जैसे कलाकार भी इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। दरअसल ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि पहली बार भोजपुरी की पैन इंडिया फिल्म आ रही है और इसे लेकर आ रहे हैं मशहूर अभिनेता और बीजेपी के सांसद रवि किशन। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और अभिनेता रवि किशन अब एक पैन इंडिया फिल्म लेकर आ रहे हैं जो मूल रूप से भोजपुरी भाषा में बन रही है। रवि किशन ने फिल्म का मोशन पोस्टर भी रिलीज कर दिया है। पोस्टर पर रवि साधु के गेटअप में हाथ में त्रिशूल थामे नजर आ रहे हैं। पास में नंदी को दिखाया गया है। पृष्ठभूमि में भगवान शंकर की मुखाकृति नजर आ रही है। फिल्म का शीर्षक महादेव का गोरखपुर है और इसका निर्देशन राजेश मोहनन कर रहे हैं। ये भोजपुरी फिल्म हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी 2023 में रिलीज होगी। इंस्टाग्राम पर मोशन पोस्टर शेयर करके रवि किशन ने लिखा है, भोजपुरी से अपनी पहली पैन इंडिया फिल्म जो 6 भाषाओं में रिलीज होगी, फर्स्ट लुक मोशन पोस्टर शेयर करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। आपका सपोर्ट और आशीर्वाद चाहिए, हर हर महादेव। फिल्म की शूटिंग गोरखपुर में शुरू हो चुकी है। श्री नारायण ने फिल्म लिखी है। रवि किशन गोरखपुर से बीजेपी के सांसद भी हैं। रवि ने कई भाषाओं में सिनेमा में काम किया है। हालांकि उन्होंने अपना करियर हिंदी फिल्मों से शुरू किया था और अपने अभिनय से प्रभावित किया। 1999 तमिल सिनेमा में उन्होंने डेब्यू किया। नई सदी की शुरुआत में रवि भोजपुरी सिनेमा की तरफ मुखातिब हुए और धीरे धीरे वहां फिल्मों की संख्या बढ़ने लगी। 2009-10 में रवि किशन ने भोजपुरी सिनेमा में ऐसा दमखम दिखाया कि वहां के सुपरस्टार बन गए। 2014 में रवि का तेलुगु डेब्यू हुआ और 2017 में कन्नड़ डेब्यू। यही नहीं, एक्टर ने मराठी और गुजराती भाषाओं के फिल्मों में भी काम किया है। वहीं OTT प्लेटफॉर्म पर भी रवि किशन काफी सक्रिय हैं। नेटफ्लिक्स की अपकमिंग वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर में वो एक अहम किरदार में दिखाई देंगे। सीरीज 25 नवंबर को स्ट्रीम की जा रही है। 18 नवंबर को G5 पर आ रही है। सीरीज कंट्री माफिया में भी रवि अहम किरदार निभाते हुए दर्शकों को दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल बिहार के उन तमाम लोगों के लिए अच्छी खबर है जो कि भोजपुरी भाषा को आगे देखना चाहते हैं, जो भोजपुरी फिल्मों के दीवाने हैं और उसी प्रकार इस भाषा का भी लोग प्रचार प्रसार चाहते हैं जिस प्रकार अन्य भाषाओं की फिल्मों का होता है। बहरहाल रवि किशन ने पहल तो अच्छी की है। अब देखने वाली बात है कि रवि किशन की इस पहली भोजपुरी पैन इंडिया फिल्म को लोगों से कैसी प्रतिक्रिया मिलती है और ये फिल्म आने वाले समय में क्या नया रंग खिलाती है भोजपुरी जगत में और भोजपुरी फिल्म जगत में। बने रहें लाइव सीरीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।